कार्मल कॉन्वेंट स्कूल विच हुए हादसे नूं लै के दूजे पासे डीसी ने स्कूल विच पेड़ गिरन तो हुई विद्यार्थी दी मौत मामले दी मैजिस्ट्रेट जांच दे आदेश दिते हन। इस जांच विच एसटीएम सेंट्रल तो इलावा हॉर्टिकल्चर विभाग दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अते रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नूं वी शामिल कीता गया है। उन्होंने एक हफ्ते दे अंदर पेड़ गिरन दे कारणां दी जांच कर रिपोर्ट देण दे लई कहा है। दूजे पासे घटना तो बाद समाज कल्याण विभाग ने चंडीगढ़ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नूं एक तय सीमा दे अंदर यूटी दे सारे सरकारी अते प्राइवेट स्कूलों विच चाइल्ड सेफ्टी ऑडिट करवाउण दे लई कहा है। समाज कल्याण विभाग की सकत्र नितिका पवार ने एक पत्र लिखा है, उस विच कहा है कि स्कूल अते होर जिन्ने भी इंस्टीट्यूट्स है उत्थे दा दौरा किया जाए अते उत्थे लगे पेड़ां दी स्थिति ते होर तरह दे खतरां दा भी जायजा लिता जाए तां जो भविख दे विच अजे ही किसी भी तरक्के दे हादसे तो बचा जा सके। ए पत्र मिलन तो बाद CCPCR दी चेयरपर्सन हरजिंदर कौर ने चाइल्ड सेफ्टी ऑडिट दे लई टीम दा गठन किया। इस टीम दे विच सिक्ख्या विभाग, सेहत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ नगर निगम, पुलिस अते समाज कल्याण विभाग दे अधिकारियों नूं शामिल किया गया है। दस दईए कार्मल कॉन्वेंट स्कूल विच हैरीटेज पेड़ गिरन तो बाद एक विद्यार्थी की जान चली गई अते कई विद्यार्थी जड़े वो जख्मी हो गए ते इस मामले विच यूटी प्रशासन की खूब जड़ी है इस विच बदनामी हुई। इसका सब तो बड़ा कारण यह है कि जिस 250 साल पुराने पीपल का पेड़ गिरन तो यह हादसा होया उसके रख रखाव की जिम्मेदारी प्रशासन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोल हुंदी सी। हादसे तो बाद डीसी ने कहा कि उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट वालों कदे भी यह नहीं कहा गया कि पेड़ तो किसी भी तरीके दे नाल जुड़ा है कोई हादसा हो सकता है। हालांकि हुन इस हादसे की मजिस्ट्रल जांच के आदेश दे दिते गए हैं। इस समय असीं मौजूद हाँ चंडीगढ़ के सैक्टर 9 के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल दे विच जिथे कि एक पेड़ गिरन दे नाल एक बच्चे की मौत हो चुकी है ते 19 जिहड़े बच्चे ने वह घायल हो चुके हैं। तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो कि किन्ना वड्डा यह पेड़ है, पीपल का पेड़ है जिहड़ा कि गिर गया। तुहानूं दस दिए कि 13 से 17 साल तक के बच्चों की उम्र सी जिहड़ा कि रिसर्च टाइम के इत्थे बैठ के टिफिन खा रहे थे। बच्चों नूं इन्ना भी मौका नहीं मिलिया कि जदों पेड़ गिर रहा तो वह इतों की निकल सकन या भज सकन, जिद कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। तो घायल जड़े बच्चे ने उन्होंने चंडीगढ़ के सैक्टर 16 हस्पताल से PGI दे विच उन्होंने लिजाया गया तो उत्थे उन्होंने इलाज जिहड़ा कि चल रहा है। तुसीं तस्वीरां राही वेख सकते हो कि वड्डा जिहड़ा पेड़ है, दरख्त है, ये गिर गया। हालांकि 4 साल पहला भी इसी पेड़ तो इसी स्कूल दे विच इक टाणा गिरिया सीगा, लेकिन उस तो बाद भी स्कूल वालों या प्रशासन वालों कोई दिखाया नहीं गया इदां दा कि भी पेड़ गिरिया गया उहदी छंटाई कराई जावे या पेड़ नूं उत्थों दी कटवा दिता जावे। तो अज एडा वड्डा जिहड़ा कि है हादसा हो चुका है, एक बच्चे की जिहड़ा कि है मौत हो चुकी है इस पेड़ के गिरन के नाल। तुसीं वेख सकते हो तस्वीर राही स्कूल दे विच इस समय पुलिस प्रशासन ते होर जिहड़े आला अधिकारी आ पहुंचे हैं ते जिहड़ी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो भी जिहड़ी टीम आई है ते जिहड़ा होर भी डिपार्टमेंट ने जिहड़ा कि पेड़ां दी छटाई करदे हन पहुंच चुके ते लगातार पेड़ नूं कट्टण दी जिहड़ा कि है वह मुहिम शुरू हो गई। लेकिन एक बच्चे की इहदे विच जिहड़ा कि है जान जा चुकी है, जिहड़ा बच्चे की जान जिहड़ी कि है हुण वापस नहीं आ सकती ते जिहड़ा 19 बच्चे ने वह घायल हो चुके हैं। तो तुहानूं एक बार फिर तो दस दी उन्हां दा बच्चों का इलाज चंडीगढ़ के सैक्टर 16 हॉस्पिटल ते PGI दे विच चल रहा। हुण स्कूल प्रशासन भी जिहड़ा कि है वह अपने जिहड़ा वल्लों पल्ला झाड़दा नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 साल पहला भी इत्थों एक इसी पेड़ तो एक टाणा गिर चुका है, उस तो बाद भी पेड़ की छटाई वगैरह नहीं कराई गई। कैमरामैन अजय सिंह राणा के नाल मैं शशांक, पंजाब टुडे, चंडीगढ़।